सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो गाइस, फाइनली मैं इतने दिन बाद बाहर का शूट करने जा रहा हूँ, जो कि मैंने आपसे कहा था लॉकडाउन खुल जाएगा तो बाहर शूट होगा, और मेरा कॉलेज भी खुल चुका है। बट मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मेरा 2-3 हफ्ते से एक प्लान बन रहा था फोटो शूट का, और दोस्त लोग भी काफ़ी पीछे पड़े थे, बट मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था कि कहीं जाऊँ फोटो शूट करवा लूँ। बट आज उन लोगों ने काफ़ी, मतलब समझ लीजिए, फ़ोन कर करके परेशान कर दिया कि भाई आज चलना है। उसको, उन लोग को मैंने काफ़ी बार मना करा, भाई नहीं आ पाऊँगा, बिल्कुल टाइम नहीं। बट फिर वो लोग पीछे पड़ गए, फिर गुस्सा हो गया तो मेरा फ़ोन नहीं उठाने लगा, फिर गुस्सा हो गया यार, दोस्त हैं यार अपने, इसीलिए उनको। तो मैंने कहा ठीक भाई, मैं आ रहा हूँ, तुम लोग टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूँ। तो फिर फाइनली हम लोग का आज प्लान बना है फोटो शूट करेगा, और ये फोटो शूट होने वाला है, ये मैं अपने घर के पास नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं और दूसरी लोकेशन जा रहा हूँ, जो मेरे घर से है कम से कम 15 से 16 किलोमीटर दूर है। मैं वहाँ जा रहा हूँ अपने दोस्तों के यहाँ वापस, वहाँ का एक बेस्ट लोकेशन, कानपुर की सबसे बेस्ट लोकेशन में जा रहा हूँ फोटो शूट करवाने के लिए, और उन लोगों ने सारा प्लान सेटअप कर रखा है। बस ऐसे हम लोग जाएंगे, फिर काफ़ी बढ़िया मज़ेदार ब्लॉग बनने वाला है आज का। तो गाइस, पूरा ब्लॉग देखिएगा, लंबा हो सकता है भले, लेकिन पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, और फिर जो भी होगा आपको पूरा ब्लॉग में देखने मिलेगा। और बेस्ट लोकेशन आपको दिखाऊंगा फोटो शूट के लिए, और DSLR जो मंगवाया वो भी एक नंबर का मंगवाया। तो चलते फिर ब्लॉग की तरफ, मिलते फिर आपसे आगे। तो गाइस, अभी मैं बैठ चुका हूँ ऑटो रिक्शा में, और जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास। थोड़ा दूर है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो पूरा जो रास्ता है सुबह पूरा तो नहीं दिखेगा, बट थोड़ा थोड़ा आपको सीन दिखा दूंगा, क्योंकि फिर टाइम लगेगा, अभी आधा एक घंटा लग जाएगा पहुंचने में। वहां पहुंच के फिर हम पूरा शूट का प्लान आपको दिखाएंगे, पूरा वीडियो दिखाएंगे। और उन लोग ने मुझे बाल भी नहीं कटवाने दिए यार, मैंने कहा था कि यार थोड़ा हेयर कट करवा के गाऊँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा शूट कराने, उन्होंने यार पीछे पड़ गया भाई, बाल कुछ नहीं कटाना आज, हाँ तुम्हें सिर्फ शूट पर आना है, इसलिए यार चलो ठीक है, जल्दी होगा, जल्दी देखा जाएगा, फिर मिलते हैं आपसे आगे, जो मिस होगा फिर आपको देखेंगे। तो गाइस, अभी मैं आज बहुत रामा देवी तरफ, और इससे आगे मुझे एक टेम्पो और बदलनी है, फिर उसके बाद पहुँच जाए, उसके बाद हम जाएंगे अपने दोस्तों घर, फिर टेम्पो बदल के फिर आपसे मिलते हैं जल्दी से। तो गाइस, अभी थोड़ा जाम लगा हुआ रास्ते में, और अभी रास्ते में बस थोड़ी दूर यहाँ से रहते हैं, मतलब जाम को शूट पर जाना है, बस थोड़ी दूर है, और अभी जाम लगा, जैसा जाम खुलेगा फिर हम लोग जल्दी से जाएंगे। अहमद और अतुल से मिलेंगे, काफ़ी वेट कर रहे हैं वो मेरा, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं वो लोग मेरा, और आप देख सकते काफ़ी जाम लगा वहाँ पर, जैसा जाम खुलता है फिर हम लोग मिलते हैं जल्दी से, चूज़ करते हैं फिर। अच्छा सा बैकग्राउंड हम लोगों ने चूज़ कर लिया, कि लोकेशन भी चूज़ कर ली, कहाँ से लोकेशन में चूज़ करना, सब चीज़ चूज़ होगा, बस वहाँ जाकर हमको शूट करना है, जल्दी से मिलते हैं आपसे आगे। तो इसीलिए मुझे गाइस वो क्या बोलते हैं, बस से टेम्पो से ट्रैवल करना पसंद है, घर में गाड़ी होते हुए भी तब भी मैं गाड़ी से नहीं आ पाया, क्योंकि अभी मेरा लाइसेंस नहीं बना ना, और सिटी में गाड़ी से आना बोल लो लाइफ पुलिस का झंझट, इसलिए गाड़ी अभी सिटी में तो मैं नहीं लाता, क्योंकि मेरा लाइसेंस नहीं बना, और वैसे लोकल तो चला लेता हूँ। गाइस, वापस जाना पड़ा मुझे पीछे थोड़ा, क्योंकि मैं आगे आ गया हूँ वो बस वाले की गलती की वजह से, तो वापस चलते फिर जल्दी टेम्पो पकड़ के फिर चलते थोड़ा। फाइनली हम लोग आ चुके हैं लोकेशन पर अपनी शूट पर, और DSLR लेके आया अहमद, तो अहमद बताओ मुझे यार, अबे भाई इतनी दूर से हम बुला लिया अहमद लोगों ने, और अतुल ने भी, अतुल भाई ने भी, ये गुजरात से आया भाई, किससे कौन से हीरो से डीएम करो, डीएम करो फोटो एडिटिंग के लिए, पेड फोटोग्राफ अवेलेबल। थोड़ा हड़कड़ा रहा है ये बोलने में, क्योंकि अभी इसको आदत नहीं है, बट ये कौन से हीरो से मिल गया, श्रीनिवास रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी से मिल गया, साउथ का हीरो है। तो गाइस, अभी गुजरात से आया अतुल, और हम लोग ने प्लान बनाया था बहुत पहले, बट ये गुजरात चला गया था तो हम लोग का प्लान कैंसिल करना पड़ा था, बट अब ये रिसेंटली थोड़े दिन पहले गुजरात से आया है, तो हम लोग ने प्लान बनाया शूट के लिए, और फाइनली हम लोकेशन दिखा देंगे आपको कि कहाँ कौन सी लोकेशन है, आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि अभी हम लोग लोकेशन चूज़ कर रहे हैं कौन सी लोकेशन में शूट करना, और बाल वाल सब सेट करने पड़ेंगे, कि मतलब फोटो जब फोटो शूट करवाएंगे तब आपको पूरा देखने को मिलेगा। और अभी लोकेशन जो भी लोकेशन में होगी, सबका जितने भी मॉडल हैं आप देख रहे हैं, सारे पीछे इन्फ्लुएंसर हैं, मॉडल हैं, अहमद फोटो शूट कर रहा है अभी अतुल की, बस सबकी सारे इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो करना जरूर, क्योंकि तो हम लोग बहुत फॉलो बहुत मेहनत करते हैं फोटो शूट के लिए, एडिटिंग के लिए, वीडियो के लिए, सबके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो जल्दी जल्दी अपनी लोकेशन जाते हैं, फिर आपको फोटो शूट दिखाते हैं। तो फोटो शूट स्टार्ट कर रहे हैं, पहला शूट अहमद का हो रहा है, तो जल्दी से अहमद को दिखाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the
the ones who heard my cries and watched me weep. सो गाइज़ अभी हम लोग फोटो शूट कर रहे थे, बट हम लोग की जो DSLR की मेमोरी थी वो फुल हो गई, तो अभी दूसरी मेमोरी मंगाई है, वो जैसे आएगी फिर दोबारा से शूट स्टार्ट करेंगे। और अहमद बताओ, फिर DM करें किस लिए? DM करिए तो बताओ। कर बता रहे बताओ फिर जल्दी। पेड फोटोग्राफी अवेलेबल। और एक और एडिटर है सौरभ एडिटर, उसको भी आप DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। सबकी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक सबकी आईडी का, तो जाकर तुरंत फॉलो करें सभी को। फिर मिलते हैं आपसे आगे। Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if I... So guys, अब हम लोग ले वो क्या बोलते हैं कपड़े सब चेंज कर लिए, क्योंकि अब नेक्स्ट लोकेशन में जो दूसरे के लोकेशन जाने वाले शूट करने के लिए, और यहाँ के लोकेशन का ज़्यादा पूरा शूट हो चुका है। और अतुल ने वाल से काम किया, अतुल ने बड़े बड़े फोटो खींची। और अतुल बताओ कुछ, बताओ यार तुम भी बताओ। ये मेरा दोस्त है वो सब तो है, फोटो शूट के बारे में बताओ कुछ। फोटो शूट जहाँ वो अचानक से प्लानिंग बनी फोटो शूट के लिए, दोस्त ने बोला था, मतलब कैसे दिन से प्लान बन रहा था, तो अचानक से फिर बोला, कैमरे वाले को बुलाया काफ़ी जल्दी टाइम में, फोटो शूट करा रहा, देखो इधर फोटो शूट हो रहा, दोस्त लोग सब भाई, सब लोग सकते हैं, सब लोग भाई अपने, सब लोग फोटो शूट करवाने आए हैं, और सभी इन्फ्लुएंसर हैं, सभी इन्फ्लुएंसर हैं, सभी को जाके फॉलो करें इंस्टाग्राम में, काफ़ी मेहनत करते हैं। और अतुल भी काफ़ी मेहनत करता है इंस्टाग्राम में, और अच्छी अच्छी रील्स वीडियोस और पोस्ट डालता रहता है। तो फॉलो करो भाई लोग, सपोर्ट करो यार अतुल कुमार 21-26। तो गाइस जाके तुरंत जाके फॉलो करो, सबकी आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके तुरंत सबको जाकर फॉलो करो। और फिर चलते अपनी नेक्स्ट लोकेशन, वहाँ करते हैं फोटोशूट। कैमरे की बैटरी डाउन हो चुकी, तो हम लोग दूसरी बैटरी मंगाने के लिए गए, मतलब लाने भाई आ रहा दूसरी बैटरी लेके, तब तक लिए हम लोग आईफोन के स्लोमो बना रहे हैं। आईफोन के स्लोमो बना के आप, और ये सब आपको रील्स जो मिलेगी सब इंस्टाग्राम में देखने को मिलेगी। तो अगर आप अगर आप इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करेंगे तो आप सब नहीं देख पाएंगे, तो जाके तुरंत जाके इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले। इसका यूजर नेम क्या है? अतुल कुमार 21-26। और मेरा यूजर नेम है आपको पता है @cow_ बाकी आपको यूट्यूब में लिंक मिल जाएगी इसकी, बाकी सब आपको मिल जाएगा, तो जाके तुरंत फॉलो करें, बहुत मजा आने वाला है आप सबको देखने में। तो गाइस हम लोग दूसरी लोकेशन पे शूट कर रहे हैं, अभी आईमा शूट कर रहा है और मैंने शूट करवा लिया थोड़ा, अभी और मॉडल्स भी आ गए हैं, इन्फ्लुएंसर आ गए वो भी शूट करवा रहे हैं, तो काफ़ी लंबा ब्लॉग हो सकता है, बट फोटोज जो आई हैं एक से एक तकड़ी तकड़ी फ़ोटो आई हैं। और क्या ही बताया जाए आपसे, क्या तगड़ा शूट चल रहा है यहाँ पर। अगर आप जाके अगर आपको फोटोज़ देखनी है तो जाके इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करिएगा। और देख सकते हैं मैंने अपना आउटफिट भी चेंज कर दिया है, और अहमद ने भी अपनी आउटफिट चेंज कर ली है, और यहाँ शूट बहुत तगड़ा हो रहा है। जो भी फोटोज़ हैं भाई खींच रहा है वो सब आपको देखने को मिलेगी, जब तो जाके जल्दी जल्दी फॉलो करें। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि फोटो शूट चल रहा है, अहमद का पीछे फोटो शूट हो चुका है, और अतुल भाई का भी चल रहा है शूट, अभी अतुल ने अपने भी आउटफिट चेंज कर लिया, आउटफिट चेंज कर ले सकते हैं आप। और अभी थोड़ी थोड़ी दूर तक, थोड़ी देर तक और शूट चलेगा। यहाँ देखिए कितनी भीड़ लगी, देखिए कितने लोग आ गए शूट देखने, शूट देखने के लिए, सिर्फ शूट देखने के लिए सब लोग के फैंस हैं। और क्या ही बता सकते हैं हम लोगों को, क्या ही मजा आ रहा है, क्या मजा आ शूट पे, अभी तो अगर आप अभी तो बता सकते थे, इसीलिए कहते हैं हम लोग को फॉलो करिए, इसीलिए कहते हैं हम लोग फॉलो करिए हर जगह, तभी आपको हम लोग के बारे में अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे, और काफ़ी ज़्यादा है। अब तो लॉकडाउन खुल चुका है, तो और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग हम लोग ऐसे शूट करते रहेंगे, थोड़ा मतलब टाइम ले लेके आप लोग फॉलो कर लीजिए। फिर चलते एक ट्रैवल ब्लॉग बनाएंगे जिसमें जिसमें सारे दोस्त होंगे ना, सही कहा ना? नहीं। सो गाइस फाइनली हमारा फोटो शूट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा सब थक चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा सब भूख भी लग रही सबको, तो अब हम लोग यहाँ से जाएंगे सीधा कहीं खाना मतलब कुछ खाने पीने, क्योंकि बहुत जोर से भूख लग रही है हम सब लोगों को। और फिर फोटो शूट एंड हो चुका, फोटो एडिट करने के बाद देखने को मिल जाएगी, अगर उस फोटो एडिट देखनी है और रील्स देखनी है तो उसके लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करना मत भूलिएगा, ID अतुल कुमार 001। और जिसने हम लोग जिसने हम लोग की फोटो खींची ऑफिशियल दीवांस करके, इस भाई को भी फॉलो कर दीजिएगा इंस्टाग्राम में, क्योंकि बहुत तगड़ी फोटो खींची इसने, क्योंकि आपको सब इंस्टाग्राम में देखने को मिल जाएगी, तो जाकर जरूर इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलेगा।
और फिर एंड करते ब्लॉग। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बिना नहीं जाएगा। सब्सक्राइब लाइक फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। #कैप्सूलो टीम काव्य।